सीखने के उद्देश्य। इस पाठ में यूजर वीडियो तथा एनिमेशन के दिए गए पहलुओं का अध्ययन करेंगे। वीडियो बेसिक्स, वीडियो कैसे कार्य करता है, ब्रॉडकास्ट वीडियो मानक, एनालॉग वीडियो, डिजिटल वीडियो, वीडियो रिकॉर्डिंग तथा टेप फॉर्मेट्स, शूटिंग तथा एडिटिंग वीडियो, वीडियो कंप्रेशन तथा फाइल फॉर्मेट्स, मोशन कंपेंसेशन आधारित वीडियो कंप्रेशन, MPEG 1, MPEG 2, MPEG 4, MPEG 7, MPEG 21, एनिमेशन, सेल एनिमेशन, कंप्यूटर एनिमेशन, मॉर्फिंग। वीडियो बेसिक्स। मल्टीमीडिया के तत्वों में वीडियो सबसे नई अनुवृद्धि या एडिशन है। कंप्यूटर तथा मेमोरी पर इसकी सबसे ज्यादा मांग या डिमांड रहती है। फुल मोशन प्रति घंटे के लिए लगभग 108 GB का प्रयोग होता है। इसमें प्रायः अतिरिक्त हार्डवेयर की जरूरत पड़ती है, वीडियो कंप्रेशन बोर्ड, ऑडियो बोर्ड, रेड रिडंडेंट एरे ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्क, हाई स्पीड डाटा ट्रांसफर के लिए। डिजिटल वीडियो डिवाइस एनालॉग वीडियो की कीमत के एक छोटे अंश में ही सर्वोत्तम क्वालिटी के उत्पाद बना देते हैं। डिजिटल वीडियो इमेज डिग्रेडिंग की संभावना को भी समाप्त कर देता है, जो एनालॉग से डिजिटल कन्वर्ट करने में होती है। डिजिटल वीडियो के कई स्रोत हैं, परंतु उनके प्रयोग के राइट्स लेना कठिन हो सकता है। यह प्रक्रिया अधिक समय लेने वाली तथा महंगी होती है। वीडियो क्लिप्स। वीडियो को पाने के तरीके। डिजिटल कैमकॉर्डर से नए फिल्म क्लिप शूट करें। अपने वीडियो क्लिप को डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट करें। किसी आर्काइव से वीडियो अर्जित करें। यह सामान्य तौर पर महंगा पड़ता है। अनुमति और लाइसेंसिंग राइट्स पाना भी कठिन होता है। वीडियो कैसे कार्य करता है। किसी वस्तु से परावर्तित प्रकाश वीडियो कैमरे के लेंस से गुजरने पर चार्ज कपल डिवाइस या CCD द्वारा इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल में बदल जाता है। इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल में कलर सूचना के 3 चैनल्स, लाल, हरा, नीला, तथा सिंक्रोनाइजेशन पल्सेस या सिंक सम्मिलित होते हैं। सिग्नल के कंपोनेंट्स के बीच के पृथक्करण या सेपरेशन से संबंधित कई प्रकार के वीडियो मानक उपलब्ध हैं। ट्रांसमिशन मोड, कॉम्पोजिट वीडियो। यह कम स्पष्ट कलर डेफिनेशन देता है। इसमें रंगों को मैनिपुलेट या संशोधित नहीं किया जा सकता। प्रायः एक कोएक्सियल केबल या RCA कनेक्टर का उपयोग किया जाता है। एस वीडियो कलर तथा ब्राइटनेस की सूचना को 2 अलग अलग तारों पर पृथक करता है। कॉम्पोनेंट वीडियो, 2 क्रोमिनेंस तथा 1 ल्यूमिनेंस सिग्नल्स। क्रोमिनेंस रंगों के बारे में सूचना, ल्यूमिनेंस ब्राइटनेस के बारे में सूचना। स्पिनिंग रिकॉर्डिंग हेड जो हेलिकल या कुंडलित पथ का अनुसरण करता है, वीडियो सिग्नल को मैग्नेटिकली टेप पर राइट कर देता है। ऑडियो को एक अन्य स्ट्रेट या सीधा ट्रैक पर रिकॉर्ड किया जाता है। जब टेप या वीडियो को प्ले किया जाता है, तो कंट्रोल ट्रैक स्पीड को नियंत्रित तथा ट्रैक को अलाइंड या पंक्तिबद्ध करता है। वीडियो संचारण के लिए कलर एनकोडिंग, RGB सिग्नल। लाल, हरे तथा नीले के लिए अलग अलग सिग्नल्स होते हैं। अन्य रंगों को इन प्रमुख रंगों के मिश्रण के रूप में एनकोड किया जा सकता है। उदाहरण के लिए वाइट बराबर R+G+B, यानी सफेद बराबर लाल जमा हरा जमा नीला RGB। YUV सिग्नल ब्राइटनेस या ल्यूमिनेंस कंपोनेंट Y को अलग करता है। कलर सूचना 3 क्रोमिनेंस सिग्नल्स U तथा V। Y (0.3R+0.59G+0.11B) (U)(B-Y)(0.493). (V)(R-Y)(0.877). YIQ सिग्नल YUV के ही समान, INTSC फॉर्मेट का आधार। (Y)(0.3R+0.59G+0.11B). (I)(0.60R-0.28G+0.29G
0.32b, q बराबर 0.21r माइनस 0.52g जमा 0.31b। कॉम्पोजिट सिग्नल, विशिष्ट कंपोनेंट RGB, YUV या YIQ को आवश्यक रूप से एक सिग्नल में मिश्रित होना चाहिए। ब्रॉडकास्ट वीडियो सामान्य, विश्व भर में 4 ब्रॉडकास्ट तथा वीडियो मानक और रिकॉर्डिंग फॉर्मेट्स उपयोग किए जाते हैं, NTSC, PAL, SECAM, हाई डेफिनेशन टेलीविजन, HDTV। इनमें से प्रत्येक सिस्टम अलग अलग मानकों पर आधारित होते हैं जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल को उत्पन्न करने के लिए इन्फॉर्मेशन इनकोडिंग के तरीकों को परिभाषित करता है, जिससे अंततः टेलीविजन पिक्चर बनती है। नेशनल टेलीविजन सामान्य कमेटी NTSC ये मानक सूचना को एनकोड कर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल बनाने के तरीकों को परिभाषित करते हैं, जिससे अंततः टेलीविजन पिक्चर बनती है। इसमें स्क्रीन का रेजोल्यूशन 525 हॉरिजॉन्टल स्कैन लाइंस होता है और स्कैन रेट 30 फ्रेम्स प्रति सेकंड होता है। NTSC नेशनल टेलीविजन स्टैंडर्ड्स कमिटी 1952, नेवर द सेम कलर। एक फ्रेम 525 हॉरिजॉन्टल लाइंस प्रत्येक 1/30 सेकेंड में, दो पासेस सम अथवा विषम लाइंस 60 प्रति सेकेंड 60 हर्ट्ज, इंटरलेसिंग झिलमिलाहट या फ्लिकर को कम करने के लिए, फेज अल्टरनेट लाइन या PAL। PAL में स्क्रीन का रेजोल्यूशन 625 हॉरिजॉन्टल लाइंस का तथा स्कैन रेट 25 फ्रेम्स प्रति सेकेंड होता है। सीक्वेंशियल कलर एंड मेमोरी, CCAM में स्क्रीन का रेजोल्यूशन 625 हॉरिजॉन्टल लाइंस का तथा सिस्टम 50 हर्ट्ज का होता है। बेसिक टेक्नोलॉजी तथा ब्रॉडकास्ट मेथड में CCAM, NTSC तथा PAL रंग सिस्टम्स से अलग होता है। SECAM यह मानक फ्रांस, रूस तथा कुछ अन्य देशों में प्रयुक्त होता है। SECAM वीडियो में रेजोल्यूशन की 625 इंटरलेस्ड यानी एक दूसरे में बुनी हुई लाइंस होती हैं। एडवांस्ड टेलीविजन सिस्टम्स समिति ATSC डिजिटल टेलीविजन या DTV, यह डिजिटल सामान्य टीवी स्टेशन्स को उपयुक्त बैंडविड्थ उपलब्ध कराता है, जिससे 4 या 5 सामान्य टेलीविजन या STV सिग्नल्स या एक हाई डेफिनेशन टीवी HDTV सिग्नल मिलता है। यह मानक कंप्यूटर के लिए डाटा ट्रांसफर तथा नई एडवांस्ड टीवी या ATV इंटरैक्टिव सर्विसेज की भी अनुमति देता है। एनालॉग वीडियो ओवरस्कैन एंड द सेफ टाइटल एरिया। एनालॉग वीडियो, वीडियो पहुंचाने तथा देखने के लिए एनालॉग टेलीविजन सेट्स आज भी सबसे ज्यादा उपयोग किए जाने वाले प्लेटफॉर्म हैं। जब चित्र सामान्य टीवी स्क्रीन से बड़ा होता है तो चित्र ओवरस्कैन हो जाता है। जब कंप्यूटर मॉनिटर पिक्चर ट्यूब पर एक छोटा चित्र दर्शाता है तो चित्र अंडरस्कैन हो जाता है। इसके विपरीत कंप्यूटर स्क्रीन छोटी इमेज या अंडरस्कैन दर्शाता है, जिससे बेजेल के अंदर एक काला बॉर्डर बन जाता है। सेफ टाइटल एरिया वह एरिया है जहां चित्र किसी भी सूरत में ओवर स्कैनिंग से प्रभावित नहीं होता। वीडियो कलर, कंप्यूटर मॉनिटर्स RGB कलर का उपयोग करते हैं। वीडियो YUV कलर उपयोग करता है। YUV सिग्नल में लाल, नीले तथा ल्यूमिनेंस या ब्राइटनेस की सूचना अलग अलग होती है। कई RGB कलर्स YUV कलर स्पेस में प्रदर्शित नहीं हो सकते। हाई एंड वीडियो एडिटिंग एप्लीकेशंस में फिल्टर्स होते हैं जो YUV रंग स्पेस में अवैध RGB रंग की पहचान कर उनका करेक्शन करने में सहायक होते हैं। इंटरलेसिंग इफेक्ट्स, इंटरलेस तथा प्रोग्रेसिव स्कैनिंग टेलीविजन इंटरलेस्ड स्कैनिंग को प्रयुक्त करता है। कंप्यूटर प्रोग्रेसिव स्कैनिंग को प्रयुक्त करता है। इंटरलेसिंग इफेक्ट, लाइंस जो एक पिक्सल मोटी होंगी टीवी स्क्रीन पर इंटरलेसिंग के कारण फ्लिकर करेंगी। यह तय करें कि फॉन्ट्स तथा लाइंस एक पिक्सल से ज्यादा मोटी हों। टेलीविजन के लिए टेक्स्ट तथा टाइटल्स तथा एनालॉग टेप्स का संरक्षण, प्लेन सैंस सेरिफ फॉन्ट्स का उपयोग करें। डार्क बैकग्राउंड पर लाइट टेक्स्ट का उपयोग करें। लेटर्स को बहुत ज्यादा टाइट कर्न न करें।
सिंगल पिक्सल थिक लाइंस का उपयोग करने से बचें। पैरेलल लाइंस या समानांतर रेखाओं, बॉक्सेस तथा टाइट कॉन्सेंट्रिक लाइंस यानी तंग गाढ़ी रेखाओं से बचें। ग्राफिक्स तथा टाइटल को टाइटल सेफ एरिया में रखें। टाइटल्स को स्क्रीन पर पढ़ने योग्य उपयुक्त समय तक रहने दें। डिजिटल वीडियो, वीडियो क्लिप जो किसी मास स्टोरेज डिवाइस पर स्टोर किया गया हो को कंप्यूटर मॉनिटर पर बिना किसी खास हार्डवेयर के प्ले किया जा सकता है। डिजिटल वीडियो बनाने के लिए प्रोडक्शन एनवायरनमेंट या वातावरण स्थापित करने के लिए कुछ खास हार्डवेयर विनिर्देश की आवश्यकता होती है। इनमें से कुछ विनिर्देश हैं, कंप्यूटर में यह सब सुविधाएं कनेक्शन होनी चाहिए, फायरवायर तथा केबल्स के साथ, फास्ट प्रोसेसर, ढेर सारी रैम, तेज तथा बड़ी हार्ड डिस्क। एक वीडियो को कंप्यूटर द्वारा डिजिटाइज करने के लिए वीडियो कैप्चर कार्ड की जरूरत पड़ती है। वैकल्पिक रूप से एनालॉग सिग्नल को कैमरे के अंदर सर्किटरी से डिजिटाइज तथा कंप्रेस किया जा सकता है। कंप्यूटर आधारित डिजिटल वीडियो के उपयोग के दो महत्वपूर्ण लाभ हैं। वीडियो को क्रमरहित तरीके से उपलब्ध किया जा सकता है, वीडियो को कंप्रेस किया जा सकता है। डिजिटल वीडियो आर्किटेक्चर, डिजिटल वीडियो आर्किटेक्चर में कंप्यूटर द्वारा वीडियो फाइल्स की एनकोडिंग तथा प्लेबैक का एक फॉर्मेट होता है। आर्किटेक्चर में एक प्लेयर होता है जो उस फॉर्मेट के लिए बनाई गई फाइल की पहचान कर उसे प्ले करता है। डिजिटल वीडियो कंप्रेशन, डिजिटल वीडियो कंप्रेशन स्कीम्स या कोडेक्स यानी कॉडर या डिकोडर एक एल्गोरिथम है जिसका उपयोग डिलीवरी के लिए वीडियो को कंप्रेस या कोड करने में किया जाता है। तीव्र प्लेबैक के लिए कोडेक कंप्रेस्ड वीडियो को रियल टाइम में डिकोड करता है। प्लेबैक को जारी रखने के लिए पर्याप्त डाटा ज्यों ही यूजर के कंप्यूटर में ट्रांसफर हो जाता है, स्ट्रीमिंग ऑडियो तथा वीडियो का प्लेबैक शुरू हो जाता है। डिजिटल वीडियो की विशेषताएं, वीडियो सीक्वेंस में एक फ्रेम एक चित्र होता है और यह मूवी फिल्म के एक सेल के समान होता है। डिजिटल वीडियो के तीन मूल विशेषताएं हैं, फ्रेम रेट्स, फ्रेम साइज, कलर डेप्थ या रेजोल्यूशन। फ्रेम रेट्स किसी विशेष समय में दिखाई गए चित्रों की संख्या जिससे गति का बोध होता है। फ्रेम साइज प्रत्येक फ्रेम की ऊंचाई या हाइट तथा चौड़ाई या विड्थ। कलर डेप्थ या रेजोल्यूशन प्रत्येक फ्रेम या इमेज में प्रत्येक पिक्सल के लिए कलर की मात्रा। किसी डिजिटल वीडियो फाइल का साइज फ्रेम रेट साइज तथा कलर डेप्थ पर सीधे निर्भर करता है। डिस्प्ले कैथोड रे ट्यूब या सीआरटी, कैथोड रे ट्यूब सीआरटी स्क्रीन के कलर्ड फोस्फोर्स को जब किसी इलेक्ट्रॉन बीम द्वारा ऊर्जा प्रदान की जाती है तो वे लाल हरे या नीले रंग में चमकते हैं। बीम के स्क्रीन पर गुजरने पर कुछ रंग ज्यादा चमकीले हो जाते हैं और कुछ कम क्योंकि बीम की तीव्रता बदलती रहती है। पिक्चर ट्यूब के चारों ओर अच्छी तरह से समायोजित मैग्नेट्स इलेक्ट्रॉन को बारीकी से फॉस्फर स्क्रीन पर निशाना लगाते हैं जबकि वीडियो सिग्नल के अनुसार बीम की तीव्रता बदलती रहती है। डिगॉसिंग एक शक्तिशाली बाहरी चुंबकीय क्षेत्र या मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रॉन बीम को स्क्रीन के एक ही क्षेत्र में मोड़ सकता है। इससे स्क्रीन पर स्थायी रूप से धब्बा बन सकता है जो डिगॉसिंग के द्वारा निश्चित नहीं किया जा सकता। डिगॉसिंग एक इलेक्ट्रॉनिक प्रक्रिया है जो इलेक्ट्रॉन को रास्ता दिखाने वाले मैग्नेट को रीएडजस्ट करता है। लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले एलसीडी फ्लैट स्क्रीन के सभी डिस्प्लेज डिजिटल होते हैं जो या तो लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले एलसीडी के द्वारा होते हैं या फिर प्लाज्मा टेक्नोलॉजी के द्वारा, और इन्होंने कंप्यूटर में उपयोग के लिए सीआरटी का स्थान ले लिया है। डिजिटल वीडियो कंप्रेशन एक डिजिटल वीडियो आर्किटेक्चर में वीडियो और ऑडियो के कंप्रेशन तथा एनकोडिंग के लिए एक एल्गोरिथम से बना होता है। एक कंटेनर होता है जिसमें कंप्रेस्ड डाटा को रखा जाता है और एक प्लेयर होता है जो फाइल्स की पहचान कर उसे प्ले कर सके। डिजिटल वीडियो कंटेनर्स वीडियो के सामान्य कंटेनर्स हैं OGG या OGG, .OGG वीडियो के लिए थ्योरा, ऑडियो के लिए वोरविस। फ्लैश वीडियो .FLV, MPEG .MP4, क्विक टाइम .MOV,
विंडोज मीडिया फॉर्मेट .wmv, webm, .webm, realmedia, .rm। कंटेनर्स में वे डाटा हो सकते हैं जो कोडेक के चयन से कॉम्प्रेस्ड हुए हों और कंटेनर फॉर्मेट की एक से अधिक वीडियो फाइल को मीडिया प्लेयर्स पहचान कर प्ले कर सकें। कंटेनर फॉर्मेट्स में मेटा डाटा भी हो सकते हैं, उनमें निहित ट्रैक्स की महत्वपूर्ण सूचना तथा वीडियो और ऑडियो के अतिरिक्त मीडिया भी। क्विक टाइम कंटेनर उदाहरणतः टेक्स्ट ट्रैक्स, चैप्टर मार्क्स, ट्रांजिशंस तथा इंटरैक्टिव स्प्राइट्स को भी शामिल करने की अनुमति देता है। टोटली हिप्स का लाइव स्टेज प्रो www.totallyhip.com एक ऑथरिंग टूल है जो ऐसे इंटरैक्टिव मल्टीमीडिया का निर्माण करा सकता है जो सिंगल क्विक टाइम .mov कंटेनर में सेल्फ कंटेन्ड हो। MPEG एक रियल टाइम वीडियो कंप्रेशन एल्गोरिथम है। MPEG 4 में मल्टीमीडिया की अनेकों क्षमताएं होती हैं और यह एक सर्वमान्य मानक है। MPEG 7 या मल्टीमीडिया कंटेंट डिस्क्रिप्शन इंटरफेस मोशन वीडियो एलिमेंट्स की इंफॉर्मेशन को उसके उपयोग से जोड़ता है। कंपोजिट एनालॉग वीडियो, कंपोजिट वीडियो वीडियो सिग्नल की लुमिनेंस तथा क्रोमा सूचना को संयुक्त कर देता है। कंपोजिट वीडियो कम गुणवत्ता के वीडियो को बनाता है जो जनरेशन लॉस में अति संवेदनशील है। जनरेशन लॉस गुणवत्ता की वो क्षति है जो मूल फुटेज को एडिट करने के लिए मास्टर से कॉपी करने में होता है। एनालॉग वीडियो को कॉन्टिन्यूस या टाइम वेरिंग अर्थात समयानुसार लगातार बदलते सिग्नल के रूप में निर्दिष्ट किया जाता है। डिजिटल वीडियो को डिजिटल चित्र के अनुक्रम में निर्दिष्ट किया जाता है। NTSC वीडियो 525 स्कैन लाइंस प्रति फ्रेम 30 FPS यानी 33.37 मिलीसेकेंड प्रति फ्रेम। इंटरलेस्ड प्रत्येक फ्रेम दो फील्ड्स में विभाजित होती हैं, 262.5 लाइंस प्रति फील्ड। प्रत्येक फील्ड के शुरुआत में कंट्रोल सूचना को नियंत्रित रखने के लिए 20 लाइंस सुरक्षित रखी जाती हैं, अतः विजिबल डाटा के लिए अधिकतम 485 लाइंस रह जाती हैं। लेजर डिस्क तथा SVHS में वास्तविक रेजोल्यूशन 420 लाइंस का होता है। सामान्य टीवी में 320 लाइंस का होता है। प्रत्येक लाइन स्कैन के लिए लगभग 63.5 माइक्रोसेकेंड्स लेती हैं। कलर रिप्रेजेंटेशन YIQ कलर मॉडल का उपयोग करता है। PAL CCAM वीडियो 625 स्कैन लाइंस प्रति फ्रेम 25 फ्रेम्स प्रति सेकेंड 40 माइक्रोसेकेंड प्रति फ्रेम। इंटरलेस्ड प्रत्येक फ्रेम दो फील्ड्स में विभाजित होता है 312.5 लाइंस प्रति फील्ड। कलर निरूपण YUV कलर मॉडल का उपयोग करता है। कंपोनेंट एनालॉग वीडियो, कंपोनेंट वीडियो लुमिनेंस तथा क्रोमा की सूचना को अलग अलग कर देता है। यह वीडियो की गुणवत्ता या उत्तमता को इम्प्रूव या बेहतर करता है तथा जनरेशन लॉस को कम करता है। एस वीडियो में चित्र की गुणवत्ता को बेहतर करने के लिए कलर तथा लुमिनेंस सूचना को दो अलग अलग ट्रैक्स Y/C पर रखा जाता है। बीटा कैम एक नया पोर्टेबल व्यवसायी वीडियो फॉर्मेट है जो सिग्नल को टेप पर 3 कंपोनेंट चैनल्स में लगा देता है। कंपोजिट डिजिटल, डिजिटल वीडियो, कंपोजिट डिजिटल रिकॉर्डिंग फॉर्मेट्स लुमिनेंस तथा क्रोमा सूचना को संयुक्त कर देते हैं। ये आने वाले वेव फॉर्म के नमूने लेते हैं और सूचना को बाइनरी डिजिटल कोड 0 या 1 में एनकोड कर देते हैं। यह कलर तथा इमेज रेजोल्यूशन को बेहतर करता है और जनरेशन लॉस को कम करता है। कंपोनेंट डिजिटल, कंपोनेंट डिजिटल फॉर्मेट्स कंपोनेंट सिग्नल्स के फायदों को डिजिटल रिकॉर्डिंग से जोड़ देता है। D1 कंपोनेंट डिजिटल फॉर्मेट एक अनकंप्रेस्ड फॉर्मेट है जिसमें उच्च गुणवत्ता का चित्र होता है। यह डाटा को सेव करने के लिए 19 mm यानी 3/4 इंच टेप का उपयोग करता है। कई अन्य डिजिटल कंपोनेंट फॉर्मेट्स हैं DCT, डिजिटल बीटा कैम, DV फॉर्मेट, DVC प्रो तथा DV कैम फॉर्मेट। ATSC डिजिटल टीवी, ये डिजिटल STV तथा HDTV रिकॉर्डिंग्स के लिए मानक उपलब्ध कराते हैं जिन्हें डिजिटल टीवी ट्रांसमीटर्स से डिजिटल टीवी रिसीवर्स को ब्रॉडकास्ट करा जा सके।
एटीएससी मानक मल्टीमीडिया की अंतरक्रियाशीलता या इंटरएक्टिविटी तथा वेब को ब्रॉडकास्ट टेलीविजन में लाकर टीवी सर्विस को और भी श्रेष्ठ बनाते हैं। वीडियो शूटिंग तथा एडिटिंग, वीडियो तथा साउंड को उच्चतम रेजोल्यूशन तथा कम से कम संभव कंप्रेशन में इंपोर्ट करें। रेजोल्यूशन कम होना चाहिए और फुटेज को बाद में आवश्यकता अनुसार कंप्रेस किया जाना चाहिए। हमेशा एक स्थिर शूटिंग प्लेटफॉर्म का उपयोग करना चाहिए। अच्छी तथा समान लाइट का होना अत्यंत महत्वपूर्ण है। डिजिटल वीडियो एडिटिंग एप्लीकेशंस में ब्लू स्क्रीन मल्टीमीडिया बनाने के लिए एक प्रचलित तकनीक है। सीडी रोम पर छोटे कंप्यूटर विंडो या वेब के लिए शूट करते समय वाइड पैनोरमिक शॉट्स यानी विस्तृत मनोरम दृश्यों तथा कैमरे के मोशन से बचना चाहिए। सीडी रोम के लिए वीडियो फाइल्स को ऑप्टिमाइज करना। कंप्यूटर आधारित वीडियो के लिए सीडी रोम एक बहुत ही अच्छा वितरण माध्यम है। सीडी रोम से वितरण के लिए वीडियो बनाते समय ऑडियो ट्रैक को वीडियो ट्रैक में इंटरलीव करें। की फ्रेम्स को प्रत्येक 10 या 15 फ्रेम्स का उपयोग करना चाहिए तथा वीडियो विंडो का आकार छोटा रखना चाहिए। सोरेनसन कोडेक सीडी रोम प्लेबैक के लिए ऑप्टिमाइज्ड या सुधरा हुआ होता है। वीडियो कंप्रेशन का परिचय। वीडियो समय के अनुसार फ्रेम्स या इमेजेस का समयबद्ध क्रम या अनुक्रम है। वीडियो कंप्रेशन का एक स्पष्ट समाधान पिछले फ्रेम्स के आधार पर भविष्य सूचक या प्रिडिक्टिव कोडिंग है। कंप्रेशन की बढ़ोतरी चित्रों के सब्ट्रैक्शन या घटाने से होती है। समय क्रम को घटाते हैं तथा रेजिडुअल एरर को कोड करते हैं। पिछले फ्रेम में से चित्र के उचित भाग को घटाने के लिए सर्च करके इस कार्य को और भी अच्छे ढंग से किया जा सकता है। गति क्षतिपूर्ति या मोशन कंपेंसेशन के साथ वीडियो कंप्रेशन। वीडियो में क्रमानुगत फ्रेम समान होते हैं, अस्थाई अतिरिक्तता या टेम्पोरल रिडंडेंसी रहती है। अस्थाई अतिरिक्तता का उपयोग इस प्रकार किया जाता है कि वीडियो के प्रत्येक फ्रेम को नए चित्र की तरह अलग अलग कोड करने की जरूरत न पड़े। अनुक्रम के करंट फ्रेम तथा अन्य फ्रेम्स में अंतर को कोड कर लिया जाता है। छोटे मान और कम एंट्रोपी कंप्रेशन के लिए अच्छे होते हैं। मोशन कंपेंसेशन MC अर्थात गति क्षतिपूर्ति पर आधारित वीडियो कंप्रेशन के स्टेप्स। मोशन एस्टिमेशन या मोशन वेक्टर सर्च, MC आधारित पूर्वानुमान, पूर्वानुमान एरर का व्युत्पादन अर्थात भिन्नता। गति क्षतिपूर्ति या मोशन कंपेंसेशन, प्रत्येक चित्र को n × n साइज के मैक्रो ब्लॉक्स में विभाजित किया जाता है। यथावत ल्यूमिनेंस इमेजेस के लिए n = 16 होता है, क्रोमिनेंस इमेजेस के लिए n = 8 यदि 4:2:0 क्रोमा सबसैपलिंग को अपनाया जाता है। गति क्षतिपूर्ति या मोशन कंपेंसेशन का निष्पादन मैक्रो ब्लॉक लेवल पर किया जाता है। करंट चित्र फ्रेम को टारगेट फ्रेम कहा जाता है। टारगेट फ्रेम के मैक्रो ब्लॉक तथा ठीक उसके ही जैसे पिछले या अगले फ्रेम अर्थात रेफरेंस फ्रेम के मैक्रो ब्लॉक के बीच समानता को ढूंढा जाता है। रेफरेंस मैक्रो ब्लॉक से टारगेट मैक्रो ब्लॉक के बीच के विस्थापन को मोशन वेक्टर या MV कहा जाता है। क्रमबद्ध सीक्वेंशियल सर्च, क्रमबद्ध या सीक्वेंशियल सर्च रेफरेंस फ्रेम में से (2P + 1) × (2P + 1) की संपूर्ण विंडो को क्रमबद्ध सर्च करें। इसे फुल सर्च भी कहा जाता है। एक मैक्रो ब्लॉक जो विंडो में प्रत्येक पद पर केंद्रित होता है के पिक्सेल से पिक्सेल की तुलना टारगेट फ्रेम के मैक्रो ब्लॉक से की जाती है और वेक्टर IJ का उपयोग करते हुए उनका संबंधित MAD निकल जाता है जो न्यूनतम MAD प्रदान करता है जिसे टारगेट फ्रेम के मैक्रो ब्लॉक के लिए MV UV से निर्दिष्ट किया जाता है। क्रमबद्ध या सीक्वेंशियल सर्च प्रणाली महंगी होती है, यह मानते हुए कि प्रत्येक पिक्सेल की तुलना करने में 3 ऑपरेशंस घटाना निरपेक्ष मान जोड़ना की जरूरत पड़ती है। एक मैक्रो ब्लॉक के मोशन वेक्टर को प्राप्त करने में लगी लागत को स्क्रीन पर देखा जा सकता है। (2P + 1) (2P + 1)
n की घात 2.3 greater than equal to o open bracket p की घात 2 n की घात 2 close bracket. 2d logarithmic search. Logarithmic search यह एक सस्ता संस्करण है जो उपानुकूलतम यानी सब ऑप्टिमल होने के बावजूद प्रायः प्रभावी होता है. मोशन वेक्टर के 2d लॉगरिथमिक सर्च के तरीके में कई पुनरावृत्तियां होती हैं जो बाइनरी सर्च के समान ही होता है. शुरुआत में सर्च विंडो पर सिर्फ 9 स्थानों को MAD आधारित सर्च के लिए सीड्स के रूप में उपयोग किया जाता है और उन्हें 1 द्वारा चिन्हित किया जाता है. सबसे कम MAD अर्जित करने वाली स्थान के ज्ञात हो जाने के बाद नए सर्च क्षेत्र का सेंटर उस स्थान पर ले जाया जाता है तथा स्टेप साइज या ऑफसेट को आधा कर दिया जाता है. अगले आइटरेशन में 9 नए स्थानों को 2 से चिन्हित किया जाता है और इसी प्रकार आगे भी. श्रेणीबद्ध या हायरार्किकल सर्च. श्रेणीबद्ध या मल्टी रेजोल्यूशन दृष्टिकोण से सर्च लाभकारी हो सकता है जिसमें मोशन वेक्टर का प्रारंभिक आकलन उन चित्रों से प्राप्त किया जा सके जिनका रेजोल्यूशन काफी कम हो गया हो. 1-3 लेवल के श्रेणीबद्ध हायरार्किकल सर्च में मूल या ओरिजिनल इमेज स्तर पर होता है और स्तर 1 तथा स्तर 2 की इमेजेस पिछले स्तर से डाउन सैपलिंग के द्वारा 2 के फैक्टर में ली जाती हैं और प्रारंभिक सर्च स्तर 2 पर किया जाता है. चूंकि मैक्रो ब्लॉक का आकार छोटा होता है और पी भी आनुपातिक रूप से कम हो सकता है, आवश्यक ऑपरेशंस की संख्या काफी घट जाती है. H.261 वीडियो बिट स्ट्रीम सिंटेक्स की एक झलक. 4 लेयर्स की एक श्रेणीबद्ध या हायरार्की. पिक्चर ब्लॉक्स के समूह या GOB, मैक्रो ब्लॉक तथा ब्लॉक. पिक्चर लेयर PSC या पिक्चर स्टार्ट कोड पिक्चरों के बीच सीमाओं को निरूपित करता है. TR या टेम्पोरल रेफरेंस पिक्चर के लिए एक टाइम स्टैम्प उपलब्ध कराता है. GOB लेयर H.261 पिक्चर्स को 11x3 मैक्रो ब्लॉक्स के क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है जिनमें से प्रत्येक को ग्रुप ऑफ ब्लॉक्स या GOB कहते हैं. चित्र CIF या QCIF लुमिनेंस इमेज में GOBs की व्यवस्था को दर्शाता है. उदाहरण के लिए CIF इमेज में 2x6 GOBs हैं जिसका इमेज रेजोल्यूशन 352x288 पिक्सल्स के अनुरूप है. प्रत्येक GOB में इसका स्टार्ट कोड या GBSC तथा ग्रुप नंबर GN होता है. यदि एक नेटवर्क एरर एक बिट एरर को उत्पन्न करता है या कुछ बिट्स का नुकसान करता है तो H.261 वीडियो को अगले पहचान योग्य या GOB पर पुनः प्राप्त या रिसिंक्रोनाइज किया जा सकता है. GQuant GOB में उपयोग किए जाने वाले क्वांटाइजर को दर्शाता है जब तक यह किसी बात के MQuant या मैक्रो ब्लॉक का क्वांटाइजर द्वारा निरस्त न किया गया हो. मैक्रो ब्लॉक लेयर प्रत्येक मैक्रो ब्लॉक या MB का अपने स्वयं का एड्रेस होता है जो GOB में उसकी स्थिति को बताता है. क्वांटाइजर या MQuant तथा 6 8x8 इमेज ब्लॉक्स 4y 1 CB 1 CR. ब्लॉक लेयर प्रत्येक 8x8 ब्लॉक के लिए बिट स्ट्रीम DC वैल्यू से प्रारंभ होता है और उसके बाद 0 रन की लंबाइयों के युग्म होते हैं और ACs के लिए आगामी नॉन जीरो वैल्यू या लेवल होते हैं और अंत में एंड ऑफ ब्लॉक या EOB कोड होता है. रन की रेंज ओपन स्क्वायर ब्रैकेट O,63 क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट होती है. लेवल क्वांटाइज्ड वैल्यूज को बताता है. इसकी रेंज ओपन स्क्वायर ब्रैकेट -127,127 क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट और लेवल बराबर O होती है. H.261 प्रारंभिक डिजिटल वीडियो कंप्रेशन सामान्य था. इसके मोशन कंपेंसेशन आधारित कंप्रेशन सिद्धांत को बाद के सभी वीडियो कंप्रेशन मानकों में कायम रखा गया. यह सामान्य ISDN पर वीडियो फोन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग तथा अन्य दृश्य श्रव्य या ऑडियो विजुअल सेवाओं के लिए डिजाइन किया गया था. यह वीडियो कोडेक P गुणा
64 kbps बिटरेट को संभाल लेता है, जहां पी का मान 1 से 30 तक हो सकता है, अतः इसे पी 64 भी कहते हैं। वीडियो एनकोडर की देरी 150 मिलीसेकंड से कम होने की जरूरत है, ताकि वीडियो को रियल टाइम बाय डायरेक्शनल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में उपयोग किया जा सके। ITU रिकमेंडेशंस या अनुशंसाएं तथा H.261 वीडियो फॉर्मेट्स। H.261 दृश्य दूरभाषी प्रणालियों के ITU रिकमेंडेशंस या अनुशंसाओं के इन समूह के अंतर्गत आता है। H.221 दृश्य श्रव्य या ऑडियो विजुअल चैनल के लिए फ्रेम स्ट्रक्चर, जो 64 से 1 920 kbps को संभाल लेता है। H.261 दृश्य श्रव्य या ऑडियो विजुअल सिस्टम्स के लिए फ्रेम कंट्रोल सिग्नल्स। H.242 दृश्य श्रव्य संचार ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स। H.261 P.64 kbps पर दृश्य श्रव्य या ऑडियो विजुअल सर्विसेज के लिए वीडियो एनकोडर या डिकोडर। H.320 P.64 kbps ट्रांसमिशन के लिए संकीर्ण बैंड दृश्य श्रव्य टर्मिनल उपकरण, नैरो बैंड ऑडियो विजुअल टर्मिनल इक्विपमेंट। H.261 फ्रेम सीक्वेंस। दो प्रकार के इमेज फ्रेम परिभाषित किए गए हैं, इंट्रा फ्रेम्स या आई फ्रेम्स तथा इंटर फ्रेम्स या पी फ्रेम्स। आई फ्रेम्स को स्वतंत्र इमेज माना जाता है। ट्रांसफॉर्म कोडिंग पद्धति, जो JPEG के समान है, को प्रत्येक आई फ्रेम पर प्रयुक्त किया जाता है, इसीलिए इंट्रा कहलाता है। पी फ्रेम्स स्वतंत्र नहीं होते हैं, इनकी कोडिंग एक फॉरवर्ड प्रेडिक्टिव कोडिंग पद्धति से होती है। अस्थाई अतिरिक्तता या टेम्पोरल रिडंडेंसी हटाने को पी फ्रेम कोडिंग में शामिल किया गया है, जबकि आई फ्रेम कोडिंग सिर्फ स्थानिक अतिरिक्तता या स्पेशल रिडंडेंसी को हटाने का कार्य करती है। कोडिंग एरर के संचरण से बचने के लिए एक आई फ्रेम को वीडियो के प्रत्येक सेकंड में 1-2 बार भेजा जाता है। H.261 में मोशन वेक्टर्स को हमेशा पूर्ण पिक्सल के यूनिट में मापा जाता है और उनकी सीमित रेंज ±15 पिक्सल्स होती है, अर्थात P=15। इंट्रा फ्रेम या आई फ्रेम कोडिंग। वाई फ्रेम के लिए मैक्रो ब्लॉक साइज 16x16 पिक्सल्स के होते हैं। 8x8 CB तथा CR फ्रेम्स के लिए, चूंकि 4:2:0 क्रोमा सब सैपलिंग का प्रयोग होते हैं, एक मैक्रो ब्लॉक में 4Y, 1 CB तथा 1 CR में 8x8 ब्लॉक्स होते हैं। प्रत्येक 8x8 ब्लॉक के लिए एक DCT ट्रांसफॉर्म को लागू किया जाता है। DCT कोएफिशिएंट्स तब क्वांटाइजेशन ज़िगज़ैग स्कैन तथा एंट्रोपी कोडिंग से होकर गुजरता है। इंटरफ्रेम या पी फ्रेम प्रेडिक्टिव कोडिंग। H.261 पी फ्रेम कोडिंग स्कीम मोशन कंपेंसेशन पर आधारित है। टारगेट फ्रेम के प्रत्येक मैक्रो ब्लॉक के लिए किसी एक सर्च पद्धति द्वारा एक मोशन वेक्टर को आवंटित किया जाता है। पूर्वानुमान के पश्चात प्रेडिक्शन एरर को मापने के लिए एक डिफरेंस मैक्रो ब्लॉक प्राप्त किया जाता है। इनमें से प्रत्येक 8x8 ब्लॉक्स DCT, क्वांटाइजेशन, ज़िगज़ैग स्कैन तथा एंट्रोपी कोडिंग आदि प्रक्रियाओं से गुजरता है। H.261 में क्वांटाइजेशन। एक मैक्रो ब्लॉक के सभी DCT गुणांकों या कोएफिशिएंट्स के लिए H.261 में क्वांटाइजेशन एक स्थिर स्टेप आकार का उपयोग करता है। यदि हम DCT तथा QDCT का उपयोग क्वांटाइजेशन के पहले और बाद में DCT गुणांकों को सूचित करने के लिए करते हैं, तब इंट्रा मोड में DC गुणांक इस प्रकार स्क्रीन पर होंगे। QDCT बराबर राउंड ओपन ब्रैकेट DCT बटा स्टेप अंडरस्कोर साइज क्लोज ब्रैकेट बराबर राउंड ओपन ब्रैकेट DCT बटा 8 क्लोज ब्रैकेट। QDCT बराबर ओपन स्क्वायर ब्रैकेट DCT बटा स्टेप साइज क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट बराबर ओपन स्क्वायर ब्रैकेट DCT बटा 2 × स्केल क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट। H.261 एनकोडर तथा डिकोडर। एक परिदृश्य या सिनेरियो का उपयोग किया जाता है, जहां फ्रेम्स I, P1
तथा P2 को एनकोड तथा डिकोड किया जाता है। नोट, डिकोडेड फ्रेम्स को मूल फ्रेम्स को नहीं मोशन एस्टिमेशन में रेफरेंस फ्रेम के रूप में प्रयोग करते हैं। डाटा जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट से होकर जाते हैं वृत्त में बने अंकों द्वारा अंकित किए जाते हैं। MPEG की मूल बातें, चित्र का आकार 4095x4095 तक। अधिकांश एल्गोरिथम्स वीडियो फ्रेम के CCIR 601 फॉर्मेट के लिए होते हैं, YCBCR कलर स्पेस, NTSC 525 लाइंस प्रति फ्रेम 60 FPS की दर से 720x480 पिक्सल का ल्यूमिनेंस फ्रेम, 360x480 पिक्सल का क्रोमिनेंस फ्रेम, PAL 625 लाइंस प्रति फ्रेम 50 FPS की दर से 720x576 पिक्सल का ल्यूमिनेंस फ्रेम, 360x576 पिक्सल का क्रोमिनेंस फ्रेम। डिजिटल टीवी के लिए SIF या सोर्स इनपुट फॉर्मेट। ल्यूमिनेंस रेजोल्यूशन 360x240 पिक्सल्स 30 FPS की दर से या 360x288 पिक्सल्स 25 FPS की दर से। क्रोमिनेंस रेजोल्यूशन दोनों आयामों में ल्यूमिनेंस रेजोल्यूशन का आधा। MPEG का अवलोकन। MPEG 1 स्टोरेज मीडिया पर चलचित्रों या मूविंग पिक्चर्स तथा श्रव्यों या ऑडियो के स्टोरेज और रिटर्वील के लिए सामान्य। MPEG 2 डिजिटल टेलीविजन के लिए मानक। MPEG 4 मल्टीमीडिया एप्लीकेशन के लिए मानक। MPEG 7 जानकारी सर्च के लिए कंटेंट रिप्रेजेंटेशन मानक। MPEG 21 श्रव्य तथा दृश्य यानी ऑडियो तथा वीडियो फाइल्स के लिए मेटाडाटा की सूचना उपलब्ध करता है। MPEG 1 का अवलोकन। पहला सामान्य जो MPEG ऑर्गेनाइजेशन द्वारा 1992 में प्रकाशित हुआ। स्टोरेज मीडिया पर चलचित्रों या मूविंग पिक्चर्स तथा श्रव्यों या ऑडियो के स्टोरेज और रिटर्विल के लिए मानक। उदाहरण के फॉर्मेट्स, वीडियो CD, VCD, MP3, MP2, MPEG 1 के 5 भाग। भाग 1, वीडियो तथा ऑडियो इनपुट्स को सिंगल या मल्टीपल डाटा स्ट्रीम में मिश्रित करना। भाग 2, वीडियो कंप्रेशन। भाग 3, ऑडियो कंप्रेशन। भाग 4, आवश्यकताओं का सत्यापन। भाग 5, भाग 1 से 3 के सॉफ्टवेयर इंप्लीमेंटेशन पर टेक्निकल रिपोर्ट। ऑडियो एनकोडर की प्रक्रियाएं। मैपिंग ब्लॉक ऑडियो इनपुट्स को 32 समान चौड़ाई वाली फ्रीक्वेंसी सब बैंड्स या सैंपल्स में विभाजित करता है। साइको एकॉस्टिक ब्लॉक प्रत्येक सब बैंड के लिए मास्किंग थ्रेशहोल्ड की गणना करता है। बिट एलोकेशन ब्लॉक मैपिंग तथा साइको एकॉस्टिक ब्लॉक्स के आउटपुट्स का उपयोग कर बिट्स का आवंटन करता है। क्वांटाइजर तथा कोडिंग ब्लॉक सैंपल्स का मापन करना तथा उनको क्वांटाइज या कम करना। फ्रेम पैकिंग ब्लॉक सैंपल्स को हेडर्स के साथ एक एनकोडेड स्ट्रीम में फॉर्मेट करता है। MPEG 1 लेयर्स 1, 2, 3। MPEG लेयर में अंतर उनकी प्रोसेसिंग पावर तथा परिणामी ऑडियो या साउंड गुणवत्ता में निहित होते हैं। MP 1 थोड़ी प्रोसेसिंग की जरूरत होती है, गुणवत्ता खराब होती है। MP 2 न्यूनतम प्रोसेसिंग की जरूरत होती है, गुणवत्ता ठीक होती है। MP 3 अत्यधिक प्रोसेसिंग की जरूरत होती है, CD की गुणवत्ता उन्नत होती है। MPEG 2 का अवलोकन। MPEG 1 के वीडियो तथा ऑडियो कंप्रेशन का विस्तार करता है। उच्च गुणवत्ता संचारण ट्रांसमिशन के लिए आवश्यक बैंडविड्थ को काफी हद तक कम करता है। रेजोल्यूशन या गुणवत्ता तथा बैंडविड्थ या गति के संतुलन को उपयुक्त या ऑप्टिमाइज करता है। MPEG 2 के 10 भाग। भाग 1 वीडियो तथा ऑडियो डाटा को सिंगल या मल्टीपल स्ट्रीम्स में मिश्रित करता है। भाग 2 अधिक उन्नत वीडियो कंप्रेशन उपकरण या टूल्स उपलब्ध करता है। भाग 3 MPEG 1 ऑडियो मानक का मल्टी चैनल विस्तार या एक्सटेंशन है। भाग 4 या 5 MPEG 1 के भाग 4-5 पर आधारित तथा बना हुआ। भाग 6 MPEG 1 तथा MPEG 2 बिट स्ट्रीम्स का प्रबंधन करने के लिए प्रोटोकॉल को निर्दिष्ट करता है। भाग 7 मल्टी चैनल ऑडियो कोडिंग एल्गोरिथम को निर्दिष्ट करता है।
भाग 8 अप्रचलित होने के कारण बंद कर दिया गया। भाग 9 ट्रांसपोर्ट स्ट्रीम डिकोडर्स के लिए रियल टाइम इंटरफेस या RTI को निर्दिष्ट करता है। भाग 10 डिजिटल स्टोरेज मीडिया कमांड तथा कंट्रोल का अनुरूप भाग या वर्तमान में विकास के क्रम में। MPEG 4 का अवलोकन, निमज्जन या सम्मर्जेंस, तेजी से विकसित हो रहे मल्टीमीडिया के अनुप्रयोगों की विशिष्ट जरूरतों को नियंत्रित करना। MPEG 1 तथा MPEG 2 के लाभ, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कोडिंग। MPEG 4 के 6 भाग। भाग 1 सिस्टम्स, निर्दिष्ट दृश्य विवरण, मल्टीप्लेक्सिंग, सिंक्रोनाइजेशन, बफर मैनेजमेंट तथा बौद्धिक संपदा या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के प्रबंधन और संरक्षण का वर्णन करते हैं। भाग 2 विजुअल, प्राकृतिक और कृत्रिम दृश्य वस्तु के कोडेड निरूपण का वर्णन करता है। भाग 3 ऑडियो, प्राकृतिक और कृत्रिम ऑडियो ऑब्जेक्ट्स के कोडेड निरूपण का वर्णन करता है। भाग 4 अनुरूपता परीक्षण यानी कॉन्फॉर्मेंस टेस्टिंग, बिट स्ट्रीम्स तथा यंत्रों या डिवाइसेस के लिए अनुरूपता की परिस्थितियों को परिभाषित करता है। इस भाग का उपयोग MPEG 4 के कार्यान्वयन या इम्प्लीमेंटेशंस को टेस्ट करने के लिए होता है। भाग 5 रेफरेंस सॉफ्टवेयर, इसमें MPEG के अधिकांश भागों के अनुकूल सॉफ्टवेयर शामिल होते हैं। इसका उपयोग अनुरूप उत्पादों या कॉम्प्लाइंट प्रोडक्ट्स के कार्यान्वयन करने में होता है, क्योंकि ISO कोड के कॉपीराइट का परित्याग करता है। भाग 6 डिलीवरी मल्टीमीडिया इंटीग्रेशन फ्रेमवर्क DMIF, यह सामान्य वितरण प्रौद्योगिकी में मल्टीमीडिया स्ट्रीमिंग के प्रबंधन के लिए सेशन प्रोटोकॉल को परिभाषित करता है। सुविधाएं और कार्यक्षमताएं, फीचर्स तथा फंक्शनैलिटीज, ऑब्जेक्ट उन्मुखी या ओरिएंटेड, प्राथमिक या प्रिमिटिव ऑडियो विजुअल वस्तुओं को कोड किया जाता है, डाटा रेट कम होता है, उच्च गुणवत्ता के वीडियो को कम डाटा रेट तथा छोटे फाइल साइज पर उपलब्ध करता है, पारस्परिकता या इंटरऑपरेबिलिटी, ऑडियो विजुअल दृश्य प्ले करने के तरीकों को खुला रखता है। MPEG 7 का अवलोकन, यह एक अन्य ISO या IEC मानक है जो MPEG के द्वारा विकसित किया जा रहा है। सूचना सर्च के लिए विषय वस्तु निरूपण मानक, मल्टीमीडिया विषय वस्तु के लिए वेब को सर्च करना टेक्स्ट सर्च करने जैसा आसान बनाता है, रियल टाइम तथा नॉन रियल टाइम दोनों परिस्थितियों में ऑपरेट कर सकता है। भविष्य MPEG 21, मल्टीमीडिया फ्रेमवर्क दो आवश्यक अवधारणाओं पर आधारित है, डिजिटल आइटम, डिजिटल आइटम से यूजर इंटरैक्शन की अवधारणा, डिजिटल विषय वस्तु की सुरक्षा के लिए अधिक व्यापक तंत्र। MPEG 21 के अधिकांश एलिमेंट्स 2003 तथा 2004 में पूरे होने थे। प्रस्ताव का बल, एनिमेशन किसी वस्तु को जीवंत बनाने की क्रिया है। यह प्रोजेक्ट के दृश्य या कलात्मक या एस्थेटिक पहलू से संबंधित है। विजुअल इफेक्ट्स जैसे कि वाइब्स, फेड्स, जूम्स तथा डिजॉल्व्स अधिकांश ऑथरिंग पैकेजेस में उपलब्ध होते हैं और इनमें से कुछ का उपयोग प्रारंभिक एनिमेशन में हो सकता है। किसी ऑब्जेक्ट का स्क्रीन पर या स्क्रीन के अंदर बाहर घूमना एनिमेशन है। एनिमेशन के सिद्धांत, दृष्टि की जड़ता या परसिस्टेंस ऑफ विजन के रूप में जाने जाने वाली जैविक घटना तथा फाई के रूप में जानी जाने वाली मनोवैज्ञानिक घटना एनिमेशन को संभव बनाते हैं। एनिमेशन में चित्रों की एक श्रृंखला होती है जो तेजी से बदलती रहती है और गति का भ्रम पैदा करती है। कंप्यूटर के द्वारा एनिमेशन, एनिमेशन स्पेस, एनिमेशन तकनीकें। एनिमेशन स्पेस, एनिमेशन को इनमें प्रतिपादन या रेंडर किया जा सकता है। 2D स्पेस, 2D एनिमेशंस बहुत ही सरल और स्थिर होते हैं। कलर साइकिलिंग, 2D एनिमेशन, पाथ एनिमेशन, 2:1/2D स्पेस, छायांकन के माध्यम से हाईलाइटिंग कर और मजबूत दृष्टिकोण द्वारा गहराई का भ्रम बनाया जाता है, हालांकि वास्तविकता में इमेज दो आयामी या 2D ही रहती है। 3D स्पेस, जटिल तथा वास्तविक एनिमेशन 3D स्पेस में बनाई जाती है। एनिमेशन टेक्निक्स, एनिमेशन प्रक्रिया, सेल एनिमेशन, कंप्यूटर एनिमेशन। एनिमेशन प्रक्रिया, एनिमेशन बनाने में दिए गए स्टेप्स का अनुसरण किया जाता है, निष्पादन या एग्जीक्यूशन को तार्किक स्टेप्स की एक श्रृंखला में व्यवस्थित करना।
प्रोजेक्ट के लिए एक उपयुक्त एनिमेशन टूल का चयन करना, दृश्यों के निर्माण तथा उनको सुधारने के लिए वस्तुओं का निर्माण करें, उनके चलन की योजना बनाएं, उनकी सतहों की संरचना या टेक्सचरिंग करें, लाइट्स को लगाएं, प्रकाश के प्रभाव के साथ प्रयोग करें तथा कैमरे या देखने के बिंदु को निर्धारित करें। पूरी की गई एनिमेशन को पोस्ट प्रोसेस करें। सेल एनिमेशन। सेल एनिमेशन एक तकनीक है जिसमें क्रमशः अलग अलग ग्राफिक्स की श्रृंखलाओं का उपयोग मूवी फिल्म के प्रत्येक फ्रेम पर किया जाता है। शब्द सेल को साफ सेलुलॉइड शीट से लिया गया है जिनका उपयोग प्रत्येक फ्रेम को चित्रित करने में किया जाता है। सेल एनिमेशन की फ्रेम्स से शुरू होता है। की फ्रेम्स किसी एक्शन के पहले और अंतिम फ्रेम का उल्लेख करता है। की फ्रेम्स के मध्य के फ्रेम्स ट्वीनिंग प्रक्रिया के दौरान खींचे जाते हैं। ट्वीनिंग उस एक्शन को दर्शाता है जो की फ्रेम्स के मध्य होता है। ट्वीनिंग के बाद पेंसिल टेस्ट होता है। कंप्यूटर एनिमेशन। कंप्यूटर एनिमेशन सेल एनिमेशन से मिलता जुलता है। प्राथमिक अंतर यह है कि एनिमेटर कितना चित्रण कर सकता है और सॉफ्टवेयर कितना उत्पन्न स्वतः कर सकता है। कंप्यूटर एनिमेशन गतिविज्ञान यानी काइनेमेटिक्स में जोड़ों या जॉइंट्स वाली संरचनाओं की चाल तथा उनकी गति का अध्ययन किया जाता है। इनवर्स काइनेमेटिक्स विज्ञान वो प्रक्रिया है जिसमें वस्तु को लिंक कर उनके संबंधों तथा सीमाओं को परिभाषित किया जाता है। मॉर्फिंग एक इफेक्ट है जिसमें एक स्थिर या गतिमान इमेज को दूसरी इमेज में रूपांतरित या ट्रांसफॉर्म किया जाता है। क्यूरियस लैब का पोजर मानव की गति तथा इनवर्स काइनेमेटिक्स को समझता, हाथ को हिलाने पर कंधा अनुसरण करता है। मॉर्फिंग सॉफ्टवेयर का उपयोग 16 किंडरगार्टन्स की इमेजेस को मूल रूप से स्थानांतरित करने के लिए किया गया था। जब संगीत और आवाज का एक साउंड ट्रैक 4 मिनट के एक टुकड़े के साथ जोड़ा गया तो बच्चे कैसे एक दूसरे से समान होते हैं को दिखाने वाला एक सम्मोहक क्विक टाइम वीडियो बना। की पॉइंट्स या लाल की शुरुआत में तथा अंत में मैचिंग मॉर्फिंग ट्रांजिशन या स्थानांतरण का संचालन करते हैं। एनिमेशन में उपयोग किए जाने वाले फाइल फॉर्मेट .dir तथा .dcr डायरेक्टर फाइल्स, .fli तथा .flc एनिमेटर प्रोफाइल्स, .max 3D स्टूडियो मैक्स फाइल्स, .pix सुपरकार्ड तथा डायरेक्टर फाइल्स, .fla तथा .swf फ्लैश फाइल्स, GIF 89A फाइल फॉर्मेट। यह GIF इमेज फॉर्मेट का एक संस्करण है। GIF 89A अनेक चित्रों को एक ही फाइल में रखने तथा फिर वेब ब्राउजर पर एनिमेशन की तरह दर्शाता है। बॉक्स टॉप सॉफ्टवेयर GIF नेशन या यूलीट के GIF एनिमेटर जैसे अनुप्रयोग GIF 89A एनिमेशन बनाने के लिए आवश्यक हैं। निष्कर्ष। इस पाठ में यूजर ने वीडियो तथा एनिमेशन के दिए गए पहलुओं का अध्ययन किया। वीडियो बेसिक्स, वीडियो कैसे कार्य करता है, ब्रॉडकास्ट वीडियो मानक, एनालॉग वीडियो, डिजिटल वीडियो, वीडियो रिकॉर्डिंग तथा टेप फॉर्मेट्स, शूटिंग तथा एडिटिंग वीडियो, वीडियो कंप्रेशन तथा फाइल फॉर्मेट्स, मोशन कंपेंसेशन आधारित वीडियो कंप्रेशन, एमपेग 1, एमपेग 2, एमपेग 3, एमपेग 4, एमपेग 7, एमपेग 21, एनिमेशन, सेल एनिमेशन, कंप्यूटर एनिमेशन, मॉर्फिंग।